हाँ जी बेटा, देखो तो आज हम बात करेंगे डायफ्रेक्शन के बारे में। डायफ्रेक्शन क्या होता है एक्चुअली? बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल्स, ठीक है ना। ऑब्स्टेकल्स के जो कॉर्नर होंगे उसके अराउंड लाइट का बेंड होना, इस प्रोसेस को बोला जाता है डायफ्रेक्शन। जैसे मैं आपको YDSA की बात करूँ, जो हमने पहले डिस्कस किया था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वहाँ पर क्या था हमारे पास, इस तरह से दो सोर्स थे, ठीक है ना, और ये यहाँ पर क्या थी, हमारी स्क्रीन थी, ठीक है ना, यहाँ पर हमारी स्क्रीन थी। बट एक्चुअल में अगर हम ये माने कि लाइट जो है हमारी वो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन फॉलो करती है, यानी लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है, तो हमें यहाँ पर स्क्रीन के सिर्फ इस हिस्से पे और इस हिस्से पर लाइट मिलनी चाहिए। बट ऐसा तो नहीं हुआ, हमें पैटर्न मिला था, एक एक जगह ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, इस तरह का हमें पैटर्न मिल रहा था। तो हमने इस चीज़ को प्रूव किया था वेव थ्योरी से, ठीक है ना। इसको कैसे प्रूव किया था? वेव थ्योरी से। अब ध्यान से देखना बेटा, ये वाला जो गैप है, ये वाला जो पोर्शन है स्लिट्स के बीच का, ये वाला, ठीक है ना, ठीक इसके सामने ये कुछ पोर्शन होगा जहाँ पर एक्चुअल में डार्कनेस होनी चाहिए थी, क्योंकि लाइट तो सिर्फ यहाँ से आ रही है ना, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन के अकॉर्डिंग। तो लाइट को यहाँ इस पॉइंट पर पहुँचना चाहिए था, या यहाँ इस पॉइंट पर पहुँचना चाहिए था स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करके। बट यहाँ पर मिलता क्या है हमें? सेंट्रल ब्राइट मिलता है। इट मींस क्या है कि लाइट जो है, देखो वो कहाँ आ गई, शेडो रीजन में एंटर हो गई, ठीक है ना। लाइट एंटर्स, आप ऐसा कह सकते हो, लाइट एंटर्स इन शेडो रीजन, ठीक है ना, लाइट शेडो रीजन में एंटर कर गई, ठीक है। अच्छा, अब मैं देखो एक चीज़ और बताता हूँ आपको, या फिर आप ऐसे समझ लो, ये आपका ऑब्स्टेकल था यहाँ पर, लाइट यहाँ से स्ट्रेट जा रही थी ना, तो ये ऑब्स्टेकल्स था, और इस ऑब्स्टेकल्स के कॉर्नर के साथ वो क्या हो गई, बेंड हो गई। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे डायफ्रेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सर कभी आप ऐसे सोचो कि पहले आपने इंटरफेरेंस बताया था और अब आप डायफ्रेक्शन बता रहे हो, ये आप ये कह सकते हो डायफ्रेक्शन जो है ना वो इंटरफेरेंस का ही एक पार्ट है, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, आप देखो तो एक और एग्जांपल से बताता हूँ आपको। जैसे ये आपके पास सोर्स ऑफ लाइट है, ये आपके पास कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है? जहाँ से लाइट पास नहीं होती, ठीक है ना। तीन तरह के पढ़े होंगे आपने, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? देखो, ट्रांसपेरेंट जिसके अंदर से लाइट पास हो जाए, ट्रांसल्यूसेंट जिसके अंदर से लाइट पास, कुछ हद तक लाइट पास हो, और ओपेक जिसके अंदर से लाइट पास ना हो। तो देखो, ये सोर्स ऑफ लाइट की आपके से स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करके यहाँ पर आना चाहिए था, तो यहाँ पर तो लाइट होगी, तो ये तो आपका इल्यूमिनेटेड रीजन होगा, यानी यहाँ पर लाइट है, और ये आपका नीचे वाला कैसा होना चाहिए था, डार्क शेडो रीजन। बट यहाँ पर हमें क्या मिलता है, हेयर वी गेट अल्टरनेटिव ब्राइट एंड डार्क थिंग्स, ठीक है ना। चलो मैं उसको बाद में बताऊँगा, पर अभी आप ये समझो कि ये कॉर्नर के अलोंग लाइट यहाँ पर बेंड हो गई, यानी हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, फिर से क्या हो रहा है, डायफ्रेक्शन हो रहा है। और अगर इस पैटर्न को थोड़ा सा डिटेल में देखा जाए, मैं या आप जूम करके देखा जाए, या ये कहिए कि आप इसको हम लार्ज लेवल पर इसको मैग्नीफाई करके देखें, तो हमें एक पैटर्न मिलता है यहाँ पर, ब्राइटनेस डार्कनेस, ब्राइटनेस डार्कनेस, ब्राइटनेस डार्कनेस, इस तरह का हमें पैटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, लाइट एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, पर ये लाइट एनर्जी बैंड हुई है अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एंटर इन टू द शेडो रीजन। ये फिर से वही बात आ गई, लाइट फिर से क्या हुई है, बैंड अराउंड द कॉर्नर एंड एंटर्स इन द शेडो रीजन, ठीक है ना। अब देखो एक चीज़ है कि इल्यूमिनेटेड रीजन जो था बिटवीन IR, यानी इल्यूमिनेटेड रीजन एंड शेडो रीजन, वी गेट अल्टरनेटिव ब्राइट एंड डार्क थिंग्स। ये जो आपका इल्यूमिनेटेड रीजन था इससे ऊपर वाला, और ये जो नीचे डार्क रीजन था, इनके बीच में यहाँ पर आपको ये एक फ्रिंज मिलती है, डायफ्रेक्शन फ्रिंजेज मिलती हैं, ठीक है ना। कैसे क्या मिलता है, डायफ्रेक्शन फ्रिंजेज मिलती हैं। फ्रिंजेज कैसी, कहीं ब्राइट कहीं डार्क, फिर ब्राइट डार्क, इस तरह का पैटर्न आपको मिलता है। एक और एग्जांपल से देख लो भैया, आपके पास सोर्स है और उसके सामने कार्डबोर्ड रखा है जिसमें आपने ये पिन होल कर रखा है। तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, एक्चुअल में आपको ये पिन होल है, सिर्फ यहीं पर ब्राइटनेस होनी चाहिए थी, बाकी सारा ऊपर नीचे क्या होना चाहिए था, डार्क होना चाहिए था, ठीक है ना। ये हमारा अजम्पशन होना चाहिए ना यहाँ पर, क्यों अजम्पशन होना चाहिए, क्योंकि लाइट तो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है। बट हमें एक्चुअल में मिला कैसा, इस तरह के रिंग्स मिलते हैं, ठीक है ना। ये आपका ब्राइट है, फिर डार्क रिंग होगा, फिर ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा,
फिर ब्राइट होगा, इस तरह के रिंग्स हमें मिलते हैं। तो मैं ओवरऑल एक बार फिर से इस चीज़ को बता रहा हूँ कि देखो क्या होगा, वेन एवर लाइट बेंड अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट एंड एंटर्स इनटू शेडो रीजन, इसको हम क्या बोलेंगे, डायफ्रेक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। और फिर उसमें हमें एक प्रॉपर पैटर्न मिलता है, एक फ्रिंजेस मिलती हैं हमें, कहाँ किस तरह से ब्राइट डार्क इस तरह से फ्रिंजेस हमें मिलती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, फिर देखो नेक्स्ट है हमारा, सो अभी मैं कंक्लूजन पे आ रहा हूँ। इसका कंक्लूजन क्या है, व्हेन लाइट पासेस थ्रू स्मॉल अपर्चर लाइट अगर किसी स्मॉल अपर्चर से एंटर होती है तो लाइट बेंड हो जाती है अराउंड द कॉर्नर ऑफ द अपर्चर एंड एंटर्स द शेडो रीजन ऑन द स्क्रीन, ठीक है ना। जैसे देखो ये आपका कोई छोटा सा अपर्चर है, ये आपका सोर्स ऑफ लाइट था, तो ये कॉर्नर पर बेंड हुई। एक्चुअल में हमारा ये वाला जो है इल्यूमिनेटरी रीजन होना चाहिए था, और इसके ऊपर क्या होनी चाहिए, शेडो, क्योंकि लाइट तो स्ट्रेट आ रही है। ये देखो बेटा, लाइट को तो ऐसे आना था ना, तो सिर्फ ये जो मैंने रेड पोर्शन से बनाया है यही आपका क्या होना चाहिए था, इल्यूमिनेटेड रीजन होना चाहिए था। इसके ऊपर भी शेडो बननी चाहिए थी और इसके नीचे भी, पर एक्चुअल में क्या हुआ, यहाँ पर लाइट जो है वो शेडो रीजन में एंटर कर गई और फिर आपका ये इल्यूमिनेटेड रीजन बड़ा हो गया। और फिर एक और बात मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर हमें मिलता कैसा पैटर्न है कि ये सारा पोर्शन जो है ये ब्राइट होता है, फिर डार्क, इधर भी डार्क, फिर ब्राइट डार्क, इसी तरह से ब्राइट डार्क, इस तरह का पैटर्न हमें मिलता है। इसको हम बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट, क्या बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट बोलते हैं, ठीक है ना। पर एक चीज़ है यहाँ पर कि जो साइज़ ऑफ स्लिट है ना, इसको सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, सिंगल स्लिट डायफ्रेक्शन भी बोल देते हैं इसको कभी कभी, या इसको फ्रानहोफर डायफ्रेक्शन भी बोल देते हैं, फ्रानहोफर डायफ्रेक्शन, ठीक है। तो देखो ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो है आपकी जो साइज़ होना चाहिए ना सिंगल स्लिट का, वो छोटा होना चाहिए या कम से कम बराबर होना चाहिए किसके, वेवलेंथ ऑफ सोर्स ऑफ लाइट के, ठीक है। देखो मैं जैसे एग्जांपल, ये तीन डायग्राम मैंने बनाए हैं, ये आपका सोर्स था, ये आपकी स्लिट थी, अब स्लिट का साइज़ बड़ा है वेवलेंथ ऑफ लाइट से, तो इस तरह का पैटर्न आपको मिला, डायफ्रेक्शन पैटर्न, ठीक है ना। और अगर आपका बराबर हो गया वेवलेंथ का साइज़ और अपर्चर का साइज़ बराबर हो गया, स्लिट का साइज़ बराबर हो गया, तो इस तरह की डायफ्रेक्टेड वेव मिली। पर अगर आपका अपर्चर का साइज़ छोटा हो गया वेवलेंथ की साइज़ से, तो इस तरह की डायफ्रेक्टेड वेव्स आपको मिलेंगी, ठीक है ना। अच्छा, तो ये कंडीशन आप कह सकते हैं, क्या कंडीशन है डायफ्रेक्टेड वेव के लिए, कि जो आपका साइज़ ऑफ अपर्चर है ना, ये किससे छोटा होना चाहिए, वेवलेंथ ऑफ लाइट से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पर हाइगन प्रिंसिपल से आपको बता देता हूँ क्या, कि ये हमारे पास स्लिट है, ठीक है ना, ये हमारे पास स्लिट है, ठीक है जी। और यह अपर्चर आप इसको बोलो, इस अपर्चर का साइज़ मैं ले लेता हूँ d, और ये डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ d, जो कि डिस्टेंस है बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, ये क्या है हमारी स्क्रीन है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारी क्या है, स्क्रीन है, ठीक है। तो लाइट जो है ना वो यहाँ पर पहुँचेगी और हमें मिलेगा यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट। अगर आप हाइगन प्रिंसिपल से भी इस चीज़ को देखें तो यहाँ से क्या निकलेगा, क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ, इस तरह से निकलेगा। और इस पॉइंट से निकलने वाला क्रस्ट या इस पॉइंट से निकलने वाला क्रस्ट, ये दोनों एक सेम पॉइंट, सेम पाथ ट्रेवल करेंगे, तो इन दोनों का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना। और पाथ डिफरेंस ज़ीरो होने का मतलब क्या है, कि यहाँ पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, ठीक है ना। ये देखो ये वाला पाथ और ये वाला पाथ, ये दोनों पाथ क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, चलो इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में ही करूँगा इसको। देखो मैंने आप ओवरऑल क्या कंक्लूज़न हमारा बना, ओवरऑल कंक्लूज़न ये बना कि लाइट जो है वो शेडो रीजन में एंटर होती है, और शेडो रीजन में एंटर होने के बाद हमें अलग अलग फ्रिंजेस मिलते हैं इस तरीके से, और बीच में हमें मिलता है सेंट्रल ब्राइट और इसके ऊपर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इस तरह का पैटर्न हमें मिलता है। कंडीशन क्या है कि जो अपर्चर का साइज़ है वो छोटा होना चाहिए किससे, वेवलेंथ की साइज़ से, ठीक है।